अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम की मम्मी बात कर रही हूँ। मैं और ये जो मसला उठाए है अलीम हम क्या ख्वाजा अलीमुद्दीन, ये बहुत गलत तरीके से उठाए उन्होंने और इतना समझाने के बाद भी फिर उन्होंने हमारे को परेशान करे, सुने हरसमेंट करके छोड़ा इन्होंने। अब इनको क्या करना आप बोलिए, अब क्या है बोल तो बच्चों को लेके चले गए बोल के बोल रहे हैं। हालांकि उनकी वालदा यहाँ पर मेरे से हर बात फ़ोन करते जाते बोलते जाते कि जो है सो तुम्हारे तबस्सुम कई को बच्चों को नहीं दे रहे बोली। बच्चियाँ माँ के पास रहते, बच्चियाँ कहाँ रहते, उनके पास कई को रहते बोले तो घर पे आके धूम मचाए। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं उन्होंने बोले तो घर में से निकालो, तुम्हारे घर में से निकालो, ऐसा बोले। मैं बोली कई को निकालो, घर में से निकालने के टाइम पर निकाल दूँ, कई को निकालूँगी मैं। आप तबस्सुम की वालदा है? जी वालदा हूँ मैं। तो ये पेपर में आप ऐड किए थे ना कि आप आपकी बेटी को जो है आपकी ज़िंदगी से आख कर दे रहे बोल के? आख कर दे रहे बोले तो मैं आख करना बोल के नहीं करी मैं, और जो है सो लोग आके मेरे को रात दिन तंग करना था। वो तो कौन? अलीम उनकी अम्मी, अलीम की अम्मी, ख्वाजा फरीदुद्दीन की अम्मी और ख्वाजा फरीदुद्दीन का भाई अलीम, इन दोनों मिल के आके घर पर धूम मचाते थे। क्या तो भी है ये बोल के पूरा महल्ला धूम मचा के जाते थे और बोलते सो इनको क्या अलीम क्या बोले बोले तो आंटी पेपरों के नकली पेपर बना के सैना करके लोग वहाँ बेच देते देखो बोले तो मैं वो डर के जो है सो मैं हिसाब से उनको मैं हरासमेंट वो कर डाली। ये हरासमेंट किस वजह से करना चाह रहे हैं? हरासमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं और जो है सो उनको बच्चों को दियो बोरे। बच्चों को मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं उनको, बच्चों का उनके ख्वाजा फरीदुद्दीन के घर का माहौल सही नहीं है। जैसे कि वो एक आपस में लड़ लेते, फिर एक तो उनकी बहन जो है सो सही नहीं है, बहन को सही नहीं देखे उन्होंने, बहन की ज़िंदगी अब तक शादी नहीं करके दिए, तो मैं ये बच्चों को कैसा जवान बच्चों को छोड़ूं? हाँ फिर घर में रहता तक भावाज के कमरों में झांकना, कमरों में से झांकते थे उन्होंने, वो इतने हर चीज़ से होने से मैं जो है सो उनको डराने के लिए बोल के बोली मैं दिल से नहीं करी, मैं खाली मेरे बच्चे को ज़रा डराने के लिए तेरे को जायदाद से हटाती हूँ बोल के बोली। तो जायदाद के लिए आप पेपर में डाले? पेपर में डाले, पैसा डाल देगी आप अपनी ज़िंदगी से लेकिन आप वो लोग मीडिया में एक इश्यू बना इसका कि जैसे कि तबस्सुम बेगम की जो वालदा है, वालदा खुद अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दी है, क्योंकि उनकी ये हरकत है कि कोई नाम आ रहा है बीच में खालिद बिन माजी के साथ उनका कुछ चक्कर होने की वजह से आप उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए बोल के बोल रहे हैं? नहीं गलत बात है जी। क्या बोले आप? खालिद बिन माजिद को हम नहीं जानते और जो है सो वो लोग जो है सो वहाँ पर बच्चे उनके हिसाब में क्या बहसा कर लेते हैं, उनकी उनकी दुश्मनी है, वो दुश्मनी के हिसाब से हमारी बच्ची के ऊपर ले मरे, शक करने लगे, तो शक को भी मैं बोली उनको देखो फरीद हमारी बच्ची ऐसा नहीं करती, तुम गलत शकों में ना करो बोल के बोले, समझे। और क्या करे 2017 में ज़बरदस्ती को लेके जाके हमारी बच्ची को जो है सो उन्हें खुला दिलाने लगाए। लेकिन वो लोग तो अभी बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं हाँ मीडिया में कि 2017 में जो खुला हुआ है वो खुला फेक है, उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे बोले उसके। नहीं गलत है उन्होंने खुद लेके जाके ज़बरदस्ती को बच्ची को 11:30 के टाइम लेके जाके साइन कराए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है, ये हमारे वालिद है ख्वाजा फरीदुद्दीन, जो कि हमें बाप कहने में भी शर्म आ रही, बाप के नाम पे धब्बा है, बचपन से लेके अब तक हमारी उन्होंने कोई इज्जत नहीं रखे, हमेशा मारते थे, पी के करके हमारे मम्मी को मारते थे, मार के हमला बचाने गए तो हम लोग को भी मारते थे, चाकू ये वो बता के डराते थे, मेंटली हरासमेंट करते थे हम लोग को। अभी आपके चाचा जो मीडिया में आके बोल रहे कि आप लोग का किडनैप करे और आपके वालदा के ऊपर इल्जाम लगा रहे, वो सब कुछ झूठ है, ये चोर पापा ख्वाजा अलीमुद्दीन उर्फ चोर पापा ये बहुत गलीज आदमी है, इन्हें खुद रेप केस में जाके आया सो है, एक माइनर बच्ची को लेके 2 दिन गायब था, इन्हें जेल को भी जाके आया सो, और चीटिंग और स्नैचिंग के केसेस में भी जाके आया जेल को इन्हें। नहीं इनका इल्ज़ाम है आप लोगों को किडनैप करे बोले। जी ये बिल्कुल सब झूठ है, हम लोग हमारे नानी के पास रह रहे हैं, हम नहीं बोलते किसको भी, हमारे को हमारे जान का धोखा है उन लोगों से, हमारे नानियों को मामों को प्रोटेक्शन होना इन लोगों से। ये आज आप लोग चोर ख्वाजा अलीमुद्दीन जो के रेप केस में जाके आया है, FIR भी है उसकी, आपको मैं सबमिट करूंगी, और स्नैचिंग के केस में भी जाके आया सो है, चीटिंग के केस में नहीं पहले के है FIR।
ये बोल रहे कि आप लोग उनके पास आना बोल के इसके बारे जी, उनका घर का माहौल बहुत गलीज है, गाली सिवा बात नहीं करते उन लोग घर में, और गंदी नजर है उन लोग की हम लोग के ऊपर, हम लोग को बेचना चाह रहे हैं उन लोग। उसी बेस पे आज आप लोग का जो है केस फाइल किया ना? जी हाँ। कौन से सेक्शंस लगे आज, कहाँ पे हुआ वो फाइल? चार मीनार पुलिस स्टेशन में हुआ, 354A सेक्शन लगा और पॉस्को एक्ट लगा। आपके पास कॉपी है? जी हाँ। किस पे लगा ये? किस पे लगा? ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन उर्फ चोर पापा। अभी आप लोग के ऊपर जो एलिगेशन है वो पूरे फेक है बोल रहे हैं? जी हाँ। आपके मम्मी पे वो बोल रहे के 2017 में जो खुला है वो फेक है, उसके बावजूद 2019 तक उन्होंने आपके पापा के पास थे उनके घर में बोल के, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं मैम? जी, उन्होंने खुद साइन करके आके बोले, मैं साइन कर लिया बोल के बोले। तो हमारे मम्मी उन लोग का यहाँ पर झगड़ा हुआ है, नानी के पास आए, बहुत बड़ी बात हुई, वो बड़े लोग बैठ के बात करे, उन लोगों का डाइवोर्स हो गया, खुला हो गया बोल के। वो सब झूठे इल्ज़ाम है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो उन लोगों की ऊपर। 3 साल पहले जो हम लोग के साथ वाकया हुआ, ये ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन हम लोगों को बुरी नज़र से देखते थे और हम लोगों के प्राइवेट स्पॉट पे हाथ लगाते थे, अननेसेसरी टचिंग करते थे हम लोगों को मजाक मस्खरे पाने में, और अननेसेसरी गाड़ी पे जाकर ब्रेक मार देते थे। हम लोग आज FIR करा, पुलिस कंप्लेंट कराए उन लोगों के ऊपर, चार मीनार PS में। वो लोग अभी आपको बुला रहे किस लिए? उन लोग हम लोगों को बेचने के चक्कर में है, और उनके घर का माहौल तो बहुत गलीज है, हम लोग तो वहाँ नहीं जाना चाह रहे, ज़बरदस्ती हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं उन्होंने, तेजाब डाल देता हूँ तुम लोगों के ऊपर, नहीं आए तो ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरी तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश है कि KCR सर से गुजारिश है, असदुद्दीन अवैसी सर से गुजारिश है, कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश है, शिका गोयल मैडम से गुजारिश है, अकबरुद्दीन अवैसी सर से, असदुद्दीन अवैसी सर से, अहमद पाशा खादरी सर से, मुमताज़ खान सर से गुजारिश है कि हमारे मामों को और हमारे नानी को प्रोटेक्शन दिलाए और हमको भी प्रोटेक्शन दिलाए उन लोगों से, हम लोगों को जान का धोखा है उन लोगों से, इन लोगों के ऊपर सक्सेस, इन लोगों के ऊपर सख्त से इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन लोगों की इंक्वायरी कीजिए, इन लोगों का कैसा है, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत गलीज है, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बच्चियाँ हैं, हमने बेचने की नज़र है उन लोगों के ऊपर, बहुत गलीज है उनका माहौल। देखो, मेरा नाम हफ्सा है, ये जो कुछ भी ख्वाजा अलीमुद्दीन मीडिया में डाल रहे कि हम लोग किडनैप हो गए बोल के, वो सब कुछ झूठ है। अभी उन लोगों को, हम लोगों को उनसे जान का खतरा है, इसलिए हम लोग नानी के पास चले गए थे। किस वजह से बोल रहे हैं? ये लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग को पिछले 6 महीने से कोई खालिद बिन माजी बोल के किडनैप। जी नहीं, वो सब झूठ है। अगर मम्मी पापा के लड़ाई होती थी तो खालिद बिन माजी लीडर है वहाँ एरिए के, उन्हों आके समझाते थे और उन लोगों ने बुलाए थे ख्वाजा फरीदुद्दीन उल्ला और अलीम उल्ला बुलाए थे, तो उन लोग ही हर किसी को पकड़ते कि पूरी एक मीडिया में उछाल देते उन लोगों की इज्जत, क्योंकि उन लोग को शकीले है और उन लोग अगेंस्ट पार्टी के है, इसलिए वो पॉलिटिकल वालों को हर इलेक्शन आया तो उनके बीच में इशू बना देते। तो ये मतलब खालिद भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये अलीमुद्दीन, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। जी हाँ, पार्टी की लड़ाई है ये। अच्छा बेटा, आपकी एज कितनी है? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। आपको अगर बोले कि आप फरीदुद्दीन के घर चले आओ, आप इस बाप के पास या आपके चिचाओं के पास, तो आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, उनके घर का माहौल बहुत 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 बुरा है। उनकी बहन की खुद शादी नहीं हुई, धंधे वाली है उन्हें। अगर आप इंक्वायरी करें तो पूछ ले सकते हैं। इंक्वायरी करिए। जी हाँ, इंफॉर्मेशन है। जी ठीक है। उन लोगों के घर का माहौल बहुत बुरा है और गाली सिवा बात नहीं होती उधर। ठीक है, वो अलग बात है। तो आप बाप होने के नाते, आप वापस बेटी, आप दोनों बेटियां होने के नाते, क्या आप आपके बाप के पास वापस जाना चाहते? जी बिल्कुल नहीं। और आप लोगों को कोई भी जोर-जबरदस्ती नानी? नहीं, हम लोग हमारे नानी मम्मी के पास बहुत बहुत खुश है। आपके
अलीमुद्दीन ये भी बोल रहे हैं कि नानी भी आप लोगों को बेदखल कर दिए, बोल के अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग हमारे नानी के घर पे है। ये सब नानी के ऊपर क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि ऐसे हटके हम लोग के पास काफी बातें उन्होंने बोले नानी को लेके कि नानी बुरे है, नानी इन लोग को रखते नहीं, बेटी को रख नहीं सकते नानी, ये वो बातें बताए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग 2019 से नानी के घर में रह रहे और बचपन से लेके अभी तक नानी सब घर का खर्चा दिए, हम लोग की फीस भी उन्होंने ही भरे नानी, उन्हों कुछ नहीं करे, सब गाली गलौज करते, खाने पीने का भी हमारे नानी दिए सब कुछ। मैं आपके दादी आप लोगों के से मीडिया में रोते हुए बयान दिए कि बच्चियों की बहुत याद आ रही, मैं 6 महीने से बच्चियों को देखने तरस रही हूँ, मेरे बच्चों की किडनैपिंग हुई। जी नहीं, वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं, उन्होंने रोते नहीं, पहली बार दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते उन्होंने। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।